हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, TRE 1.0 और 2.0 के बारे में। जिन लोगों का एग्जामिनेशन और सिलेक्शन दोनों हो चुका है उन लोगों के लिए भी खबर है, जिनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट एक दो नंबरों से रह गया है उनके बारे में भी बात करेंगे। एक से दो नंबर जिनका रह गया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बात करेंगे वो चीज़ें कहां तक पहुंच रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। खास करके ये वीडियो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जॉब जा सकती है और इसके लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हो कि जॉब आपकी जो है बची हुई रहे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये आज की खबर है, 23/5/2024 की खबर है। तो सीधे मैं आपको देखिए कुछ दो तीन चीज़ों को लेकर जो है आपको बिल्कुल जो है स्पष्टीकरण यहाँ से दे दूँ। देखिए ये जो है बिल्कुल कल की जो है, यहाँ से आप देख पाओगे ये कल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, आज सर्कुलेट हुआ है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। अब बोलोगे ये तो मोतिहारी से आया, मेरा सिलेक्शन किसी एक्स वाई जेड जगह से हुआ है। तो देखिए आपका सिलेक्शन कहीं से भी हुआ रहे, जल्द ही आपको जो है अलग अलग जिले में अलग अलग जो प्रखंड हैं जो भी पदाधिकारी हैं वहां से आपको ये नोटिफिकेशन निकलता हुआ दिखेगा। क्या है नोटिफिकेशन में, देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा विज्ञापन 26/23 और 27/23 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में। देखिए सारा पेज यहाँ पे जो है टैट की परीक्षा में हुआ है। टैट की परीक्षा में देखिए ऑब्वियसली बात है कि 60% नंबर लाने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 60% आप लाते हो तभी यहाँ पे आपकी वैलिडिटी बरकरार रहती है। अदरवाइज अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो जो है यहाँ पे 60% लाना अनिवार्य होता है। लेकिन महिला कैटेगरी में देखिए ये बातें सबसे बड़ी गड़बड़ हुई थी महिला और दिव्यांगजन के बारे में। देखिए अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो भी 82 नंबर में आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इसी को लेकर जो है हाईकोर्ट से ऑर्डर आया कि ये सही नहीं है, अनुचित है, ये सिर्फ बिहार राज्य की महिलाओं को जो है ये मौका मिलना चाहिए। 82 नंबर सिर्फ बिहार में जो भी महिलाएं हैं उन्हीं के प्रमाण पत्र को जो है वैलिड करार दिया जाए। तो ऐसे में जिन महिलाओं का, बहुत सारे महिलाओं का जो है 82 में सिलेक्शन हो चुका है बीपीएससी के माध्यम से, तो वैसे लोगों की जो है जॉब अब जाने वाली है। इनको बचाने के लिए क्या करना होगा, सीधा सीधा उपाय है कि आप जो है हाई कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप जो है अपनी बात रख सकते हो। उसके बाद जज साहब जो भी फैसला देंगे आपको उस फैसले को मानना होगा। अब और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, देखिए क्या क्या खबर आ रही है यहाँ से आप देख पाओगे। वेट ए मिनट, ये तो झारखंड वाली खबर है, वेट ए मिनट मैं आपको ये देखूँ। यहाँ से आप देख पाओगे हिंदी विषय में दिव्यांग कोटी के तहत जो है कुल 43 में से राज्य से सिर्फ 8 अभ्यर्थी चयन थे, यानी कि 43 टोटल यहाँ पे सीटें हैं उसमें से 8 सिर्फ बिहार से चयनित हुए हैं। दिव्यांगजन का भी कोटा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को ही दिया जाएगा जिनके पास बिहार का रेसिडेंशियल प्रूफ है। अगर आप इसे माइनस करोगे तो 35 लोग जो कि अदर स्टेट से यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हैं, जो भी PWD यानी कि जो भी फिजिकली चैलेंज पीपल हैं उनको, उनकी जॉब जो है दूसरे स्टेट को यहाँ पे दी गई है। तो देखिए TRE 1 में जो महिलाएं यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, महिलाओं का जो रिजल्ट है उसे जनरल कैटेगरी की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो। RTI में देखिए ये सवाल पूछे गए थे, तो यहाँ से आप देखिए RTI के खुलासे होने के बाद विभिन्न शिक्षक जो शिक्षक संगठन हैं उनमें से रोष है, यानी कि उनके अंदर आउटरेज है, गुस्सा है कि अब जो है स्थानीय निवासी के जगह पे बाहरों को जो है मौका दिया जा रहा है। बाहर स्टेट वाले अब बोलेंगे कि पहले जॉब ले ली, जॉब करवा लिया और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि आपको जॉब नहीं रखेंगे। तो दोनों तरह की बातें हैं। देखिए मैंने दोनों पक्षों की बात रख दिया। बिहार के लोग का कहना है कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलना चाहिए, ऐसा बिहार के लोगों का कहना है। और बहुत सारे ट्विटर हैंडल को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने जो है बोल रखा है कि जिनका 1 या 2 नंबर से जो है छूट रहा था जॉब, उनके लिए जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, आयोग के ऊपर यानी कि बीपीएससी के ऊपर यह दबाव बनाएंगे। तो खैर देखिए इस पर जो भी खबर आएगी आपके साथ मैं साझा करूंगा, जो भी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में खबर है मैं उसके बारे में आपके साथ जो है सारी बातें कर रहा हूं। देखिए यहां पे इन्होंने क्या कह रखा है कि जो भी बाहर राज्य के हैं उन सभी लोगों को फिर से अपना जो आवासीय प्रमाण पत्र है उनको देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इसके अलावा जो भी उन्होंने टैट या फिर एस्टेट वगैरह पास कर रखा है उनको ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है इसकी फोटोकॉपी कराकर देनी होगी। तो देखिए इसके बारे में जो भी खबर आएगी इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली मैं खबर करता रहूंगा, और भी वीडियोस आती रहेगी इसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए, अभी तक के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो टीचर ग्रुप वाले ग्रुप आपने बना रखे हैं बीपीएससी के, वहाँ इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। लोग
अफवाह का, रूमर का शिकार ना हो, इसलिए इस वीडियो को अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं ताकि सभी लोगों तक जानकारी सही और पहुंच पाए। देखिए, बाहर के अगर आप हो तो आपके पास अभी भी रास्ता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बिहारियों, बिहार के जो लोग हैं, बिहारियों के आरक्षण को लेकर जो भी उनके मन में शंका सुबह है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट उनके फेवर में जो है ये रिजल्ट आया है। तो खैर, जो भी हो, दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं अपर कोर्ट में अपनी अपील को जारी करने के लिए। तो देखते हैं, जो भी अपडेट आएगी उसकी सूचना आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।